बाय करो। अभी अपनी गुड मॉर्निंग लोगों के साथ ही हो रही सुबह सुबह है ना। तो ये ऑस्कर ही है, मतलब मैंने कल के ब्लॉग में बताया था क्या है कि मैं सुबह बस अभी पता उठा और इसको घुमा के और बोल्ट को घुमा दिया। बोल्ट को आज सुबह सुबह कुटाई पड़ गई, अब बोल्ट ने गलत हरकतें कर दी थी। होने ही अपने को ज़्यादा और इसको ये फ्रेश व्रेश हो गए तो फिर जाए गाड़ी की हालत। और आज कुछ नई लोकेशन भी मिलेगी देखने को आपको वो आपको, और इस आई डी को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लो। अपन भी हो गए नहा धो के रेडी और चलते एक जगह सरप्राइज। तो आपको है ना उसमें टाइटल में देख के पता चल जाता है कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। तो पहले यहाँ से चलेंगे, उनको उठाए भांजे उनको दोनों को, और उसके बाद सीधे चलेंगे कहाँ पे पता है बताएंगे बाद में। पहले चलेंगे मंदिर बाबा के छोपे ताव होना जरूरी है। गाड़ी हो गई कॉल्ड स्टार, इसको थोड़ा सा आगे कर दो, उसको बेक कर दो और ये लाइट बंद कर दो। हाँ तेरे शेर की पुलिस मैं हक दी कमाई। गाड़ी गंदी बहुत हो रही है। इन दोनों को अपन ने किडनैप कर लिया घर से, अभी कर रहे हैं यहाँ से पहले गुरुवार को मंदिर हो गया चलेंगे ट्रेनिंग पे। अगर हो गया तो ठीक है, क्योंकि मेरे ख्याल से वो आना का जवाब हो जाएगा ट्रेनिंग का, बताएगा वो कहाँ जाने की। मैं तो मैं दूसरे को टेल आऊँगा, मेरे को क्या है घूमना तो है, अब इतनी दूर जा रहे हैं तो घूमना घूम के आ जाते हैं। हम लोग क्या सोचते हैं हो ही जाए, सोमवार रहता है ना सोमवार बहुत सारे सुधर जाए तो उसके पास गाड़ी बंगला खड़ा कर दो उसके पापा पर, सुधरने का नाम नहीं दे रही ऐसा। मतलब इसके घर वाले की सोचे मेरे को पता है सही है लोटा। ठीक है हर एक माँ, मैं भी मेरे माँ बाप के सामने इतना बिगड़ा हुआ हूँ, मतलब ऐसा सोचते हाँ मैं खुद बोलता हूँ मैं तो शुरू से था पर मैं सुधर गया बहुत ज़्यादा। फर्क पड़ता है होता है, आप अच्छों के साथ रहोगे तो अच्छे सीखोगे, बुरों के साथ रहोगे तो बुरा सीखोगे, ये बात आप जीवन में ध्यान रखना। फिर अपन चलते हैं मंदिर, फिर तो बोलेंगे आज का ज्ञानी बाबा बैठ गए गाड़ी में गलती से। अभी बाबा के दर्शन हो गए पूरे, उनकी पूजा करके चल रहे हैं। हमारे भार्गव जी थोड़ा सा इस चीज़ पे भी ध्यान दीजिए, थूकने वाले पर ध्यान देते हैं, इस चीज़ पे ध्यान दो कि सिटी बस जाओ कैसे ओवरफ्लो जा रही है। ये इंदौर का है, मतलब इंदौर, ये देखो ना आप ये बस नंबर भी देख सकते हो, बीच की सीरीज एफ ए 8867। तो ये ऐसे भर के सिटी बस यार इंदौर की क्या 12000 है। एक तरफ ये देखो एक तरफ झुकी हुई है पूरी, और ये देखो कंडक्टर टंगे हुए हैं, ये कंडक्टर टंगा हुआ कंडक्टर। रुको अभी इसको भी अपन ले लेते लपेटे में। यहाँ तक की लड़कियों को भी बाहर कर रखा है इन लोगों ने, हैं क्या है ये। भार्गव जी थोड़ा ध्यान दीजिए ना, चल रहा है क्या तू भी, ये तो घर जाना है। क्यों ऋषभ तेरे को चलना है क्या? चलो कहाँ चलना है? चलो घूम के आते हैं, यहाँ भी लोकेशन अच्छी लगी वहाँ घूम के आते हैं। क्यों पास में ही देखो ये आ बहु 7 किलोमीटर ये पास में, बस क्या है घूम आएंगे थोड़ा सा मन फ्रेश हो जाएगा। तो घर जाके क्या करेंगे, वही मम्मी की डांट खाएंगे। बाला तू भी खाएगा मम्मी की डांट? तू तो पापा की डांट खाएगा कि घर कुत्तों की डांट खाएगा? पापा की गाली पड़ेगी भाई साहब, इसको पापा की गाली पड़ेगी, इसको मम्मी की, और मेरे को तो पूरे परिवार की क्या फ्री फंड का सिरी खंड होने को। मेरे घर वाले इतना डांटते मेरे को, कितना घूमता है भाई। अरे बाहर वाले उनकी 12 बजाए ना सही में मेरे को घर में 1% की डांट नहीं पीटे, पर बाहर वाले इतनी उंगली करते हैं पर क्या बोले, जैसे उनके छाती पे रख के उनके ऊपर रख के घूम रहे अपन है। क्यों तेरे को भी दिक्कत है ना बाहर वालों से? ये ना। क्या करते हैं
कितना हो गया ब्लॉग में लिया दीदी आपको? हाँ दीदी बेचारे सुबह सुबह मेहनत कर रहे हैं, हम भी मेहनत कर रहे हैं। वाह दद्दू वाह, दादा जय श्री राम। और कांच को बनता काका वो सम्मान था यार, मोमेंटम देखे काका मैंने देखा नहीं यार। चलो अपन जागते हैं, अब आ गए मऊ के अंदर। जैसे कि अभी देखो ये अपन आ गए आर्मी कैंप में भाई लोग, तो यहाँ पर थोड़ा डिसिप्लिन का खेल है बस। अरे ये थार कहाँ से आ रही है? चोड़े चोड़े रे, और चोड़े ज्यादा चोड़े भाई। कुछ भी बोलो पंजाब वाला शौक इंदौर में लगने वाला है, कुछ भी नहीं। चोड़े टायरों का शौक आ रही है धीरे धीरे, तो उसको अपन मारो। थार अपने को पसंद भी नहीं है, उसको छोड़ो। अपन आते अपने टॉपिक पे, तो अपन लोग क्या देखो गाना पुश कर दिया अपने, क्योंकि क्या है मान सम्मान बहुत बड़ी चीज है यार। एक आर्मी वाले क्या अपनी देश की सेवा कर रहे, तो अपन उनके चक्कर में गाना नहीं बंद कर सकते। उन्हें गाना बंद कर दो, हम चुपचाप जा रहे हैं, कोई मस्ती मजाक नहीं यहाँ पे भी। ये होता है आर्मी वालों की इज्जत भाई। पुलिस वाले होते तो हम तो भैया उनके पास से निकाल के ले जाते गाड़ी भी, आओ अंकल जय श्री राम। पर इनको नहीं, इनसे ना मजाक करो यार। देखो ये लोग वैसे बहुत सीरियस होते हैं, और अपने फ्लैग को कर लेते जय हिंद जय भारत। तो हम लोग पता है कौन से जंगल में घुसी है, और पता अभी क्या हुआ था हमारे साथ, हीट हो गई थी मऊ में। यहाँ पे ओनली टू व्हीलर अलाउ थी, वहाँ पे हमने फोर व्हीलर घुमा के लिया है। बाद में हमको समझ में ना, अभी ऋषभ ने बताया मेरे को कि भैया बोले यहाँ पे बोर्ड लिखा कि फोर व्हीलर अलाउ ही नहीं, बोले अरे ना निकालो गाड़ी। फिर हम आधे रोड से पलट के आ गए, और हमारा इंडिया का मैप से हम लोगों ने रास्ता पूछ रहे, देखते क्योंकि अपना जो है गूगल वाला वो तो भैया गोवर ही कर दिया उन्होंने सुबह सुबह। फिर जंगल में आ गए दो तीन शेर, तो शेर अगर आ गया सामने तो बोला मैं क्या चूतिया हूँ, तुम तीन शेर हो। तो वही मस्ती मजाक से हटके रहती थोड़ी बहुत। तो भाई देखो जमीन जब तक, तो गेट तो बन गया पर गेट लगाया क्यों, भाई मैं तो साइड से भी निकाल सकता हूँ। ऐसे ऐसे लोग यार गलत है ना ये चीज़ें। तो बाकी जंगल का शेर का जो मजे आते हैं वो शेर को ही आते हैं, हमको नहीं आते, क्योंकि उसको शेर नहीं मिल जाती इधर, तो हम तीनों की तीन ही शेर है, शेर नहीं है ही नहीं। जगह तो इतनी अच्छी है, सब कुछ मतलब वेदर यहाँ का देखो आप है ना, सब कुछ अच्छा है, पर यहाँ पे जो आते हैं वो लोग अच्छे नहीं आते यार। ये क्या करते हो तुम यार, रात से ही खा के यहीं कहीं छोड़ के जा रहे हो, कचरा मत फैलाओ, घूमने की जगह पे घूमने के रखो। और ये देखो हमारी गाड़ी, ये मेरी मम्मी की कृपा है। हुआ क्या था, ककड़ी जो खा रहे थे हम लोग, तो उसका पानी मम्मी ने बाहर फेंका। भैया वो ये है ना, ये कोई वो नहीं है, वो जो महापौर वाला गुटका, ठीक है तो साफ कर लो, दो मिनट में छूट रही है ये। अरे मेरे को खन्ना ही नहीं, मेरे को दिया ही नहीं अपनी। तो ये क्या अपनी गाड़ी मतलब मेरे को बता रही है, बोले किसी ने थूका, मैंने थूका नहीं है, पानी आता ककड़ी का तो वो चिपक गया, क्योंकि धूल मट्टी में से हुई जाती वैसा नहीं। तो पीछे बताओ पीछे यहाँ पे खड़ो के कौन थूकेगा, वही चीज़ है। अरे आप फोन आ गया एक रुको, मेरे को पता मैं तो फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ, कि घूमने की जगह तो बहुत अच्छी है, पर यार ये चीज़ों से मेरा मन क्यों अजीब सा हो रहा है ना। यहाँ पे क्या नगर निगम के अंडर में नहीं, ऐसे वन विभाग भी ध्यान नहीं दे रहे चीज़ों पर, थोड़ा साफ सफाई पे भी ध्यान देना चाहिए। हाँ भाई लोग बेचारे तड़ी मार के आ रहे, हम बताओ सही सही बताना ऐसी बंक मार के कौन कौन आया घूमने। क्या क्या है पुष्पा, ओ पुष्पा हाँ बेटिया सेट, आज क्या ट्रेनिंग करके आया, तो मैंने सोचा इसको भी ट्रेन कर लूँ थोड़ा सा। अरे भाग गया, ये मेरे से ट्रेन नहीं होगा। और उधर देखो माँ बेटे की जोड़ी आए है, माँ कैसे लेके जा रही है अपने बेटों को, इसलिए मैं मेरी मम्मी के साथ ही रहता, माँ बहुत काम आती है भैया ऐसी जगहों पर, वहीं बचा के लाती हैं। और आप कहीं जाओ घूमने, आप देखते होंगे कि जैसे कि आप कहीं जाना हो तो पापा एक बार भी मना करते हैं कहीं नहीं जाना, और मम्मी कह लगी हाँ ठीक है पर जल्दी आ जाना, ये चीज़ होती है। मम्मी इज़ द बेस्ट, पापा इज़ द बेस्ट। हाँ पापा क्या बाहर से खबर सुन लेते ना, और मम्मी का कभी कभी बातों में आके भी रुक जाती, फिर बोलते हाँ ठीक है। गजब चीज़ तो अच्छी यार यहाँ पे यार। एक रील लेना स्लो मोशन में यार, बढ़िया मज़ा आ जाएगा। ये नदी का ये भाई खाया पिया करो तो भाई घर पे ले जाया करो तुम, मतलब पूरे ये सोचो पूरे ब्लॉग में क्या भैया गंदगी, तुमने साफ सफाई करने गए तो भैया साफ सफाई करने नहीं गए थे,
पर यहाँ के लोगों को समझना चाहिए यार ये चीज़। वही पिकनिक स्पॉट है माना, पर यार गंदगी खूब है, ये चीज़ गलत है यार यहाँ की बहुत ही। देखते तो हमको क्या दिख गया बोला, ये क्या टट्टी है, बंदर की है। इधर सूख गई, मैं वही बोलूँ इंसान इस पर बैठ कर थोड़ी नहीं करेगा यार, क्यों वो क्या करेगा, क्यों ऋषभ तू क्या कहना चाहता, वो क्या था माल निकाल के रखा बंदर। बंदर ने रात का खाया पिया सभी दे दिया। बंदर की लेडी बहुत अब नहीं, पहले मेरे को लगा मैं ना इंसान तो बैठ के कर नहीं सकता इसमें, सोचा मैंने ठीक है, फिर मेरे को बाद में लगा मैंने बंदर ही घूम रहे थे अभी हमारे सामने, तो नहीं की थी वो जी बोला यार। वो भाई जो तीन बच्चे जा रहे हैं ना भाई, जीवन में बहुत बड़ी तरक्की कर रहे हैं, क्या उनसे ही बात कर रहे थे, वो यहीं पर लंच कर रहे थे, तो मैंने उनसे ही बात करी ना भाई, तुम टेंशन मतलब मैं ना तुम्हारा ब्लॉग में चेहरा ही नहीं आन दूंगा ना भाई, तुम्हारे स्कूल में जितना पढ़ा लिखा जो हो ना उसको बोल देना, मुँह पर गाली देना उससे, अरे तू गुलामी करेगा और हम लोग तरक्की करेंगे, और ये देखना जीवन में बच्चे जब भी देखेंगे वीडियो बोलेंगे। तो इस चीज़ का ये कि जरूरी नहीं पढ़ाई लिखाई, इतनी जरूरी नहीं है जितना अपनी लाइफ को इंजॉय करना जरूरी, तो पढ़ाई लिखाई में कहता मत सॉरी कहता पढ़ाई लिखाई करो, और इतनी कि अपनी लाइफ को इंजॉय करना भूल जाओ, वही थोड़ा सा लाइफ भी इंजॉय करो, मस्त लगा बच्चों में। हाँ मैंने उनको यही बोला कि यार तुम्हारे फीस कितनी, तुमने बताया कुछ 40-50 हज़ार का उनके फीस है, तो मैंने क्यों फिर भी मारेगा भाई से, नहीं बोले भैया जमीन ज़्यादा तुम्हें तो छुपी हो गया जमीन ज़्यादा, फिर मैंने बोला अच्छा तो मैंने और क्या करते हो, कुछ नहीं भैया लाइफ को इन्जॉय करना है, तुमने अच्छी बात है भैया लाइफ को इन्जॉय करो, बढ़िया पढ़ने में तो इंटरेस्ट ही नहीं है, जैसे इन दोनों का नहीं है, मेरा भी नहीं था ज़्यादा, वो तीनों का नहीं था, हम तीन और वो तीन, दो ये होता कलयुग का खेल। शानदार व्यू के साथ चाय, चाय के साथ एक चीज़ की कमी हो रही है, पार्ले की जमीन है हमारे पास, बस पार्ले की कभी भी जो भी चीज़ हो रही है, क्योंकि बच्ची बड़ी नहीं हो पा रही है और एक तू बड़ा नहीं हो रही है चाय का। और पता है ये जो बिस्किट है ना किसको खिलाते हैं, कुत्तों को। खाना ठीक है हम कुत्ते देंगे, तुम भी को दे पूरा एंजॉय तो यही ले लिया है। वो पीछे से एक और आया उसको भी दे दे, चलो हम जा रहे भैया अब हम जा रहे हो गए हमारी भट्टी आपसे। दीदी देख लो सिखा दिया तुम्हारे छोरे को एक काम दान पुण्य का है, जो मामा इसको बोल रहे थे आज दिखाना। हाँ बोल कंटेंट के लिए ये पड़ी लकड़ी ले लो। हाँ कहाँ पे मेरा फोन बज गया, यहाँ पे फोन की कुर्बानी हो जाती, रील बनाने के चक्कर में आराम कर मेरा फोन गवा देता प्यारी कार। चलो इसको वीडियो बना लेंगे। जंगल में कहीं पे भी आते तो क्या दिखाते हो, और इसको देखो क्या दिखाने जा रही है। वो बेचारा चढ़ने का है वीडियो बना दिया। अरे बोर्ड तो लगा हुआ है पर किसी काम का नहीं है, वो अंदर देख लो हालत, हर जगह जुबा कैसी बोली हुई है, मेरी तो मैं जा ही नहीं रहा, बदबू इतनी आ रही वहां से गंदा, ये दोनों अपने मस्ती में लगे हुए मस्त, दीना कब निकल जाता हमको पता ही नहीं चलता, हम लोग का मस्त इंजॉय करते हुए जा रहे हैं घर, ये पास में मतलब मान के चलो 5-6 किलोमीटर दूर पड़ता है ना, ठीक है घूम लेते क्या जा रही है, आते तो यहीं है।
कुछ नहीं करेगी, जाके बिल्ले बिल्लो की टट्टी साफ करेगी। बिल्लो बग्गे बिल्लो का मतलब ये रहता है, वो पूछ रहा है कि तुमने जो बिल्ली पाली है, ठीक है, जो तुमने बिल्ली पाली है उसका क्या करोगे? कुछ नहीं भैया, टट्टी साफ करूंगी। हाँ, तो लड़कियों ने जो बिल्ली पालती ना उनके लिए था ये। भाई किस्मत खराब होना तो हमारी रहती हो, हमने जैसी गाड़ी आगे आ रहे इधर से साला रेलवे फाटक मिल गया। हेलो, महेश दल्ले सुनने लग गया फिर हम क्या कर रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि नंबर वो टायरों का शो कर रहे, तो वैसे भाई नंबरों का भी शो कर रही है। लोरा है स्कूटा की 0003। हाँ, ये तो पुराया का भैया, इंडिगो पे भी 0004 मेरे ब्लॉग में डाला हुआ है। तो I-20 पे वो 0008। दादा देख वीडियो देख के काम क्या हो गया उनको, मैं तो मोबाइल दे दिया था। वो काका को साइड में से नहीं देखा, दद्दू जब पेके तो सामने आ गए। हाँ, दद्दू को लगा बोले सामने से, पर सामने से उनको लगा बोले कर क्या रहे, मैंने मोबाइल एकदम पास में करा था, मैंने देख लिया, बोले वीडियो बना रहे मैं तो। कुछ गलत काम कर रहे हो दादा, क्यों अपन ऐसे वीडियो बना रहे, इनके घर वाले देख लो तो क्या हो गया। बाय करो, बाय। सामने जो अपनी गाड़ी जा रही है भैया, MP03 जा रही है, और पता है उसमें क्या चीज है? MP03, ठीक है, लास्ट का नंबर आप बताओ क्या है, जंग खाया हुआ। ओ पुलिस वाले अंकल, ओ थोड़ा सा अपने ऊपर भी ध्यान दे लो। तो भाई साहब सीट बेल्ट भी नहीं पहना है, हम बाला ने, मैंने भी पहन रखा, पीछे तो यही नहीं, मैंने निकलवा नहीं रखा था, पीछे का भी निकलवा दूंगा आप बोलो तो। मेरा वैसे बिना सीट बेल्ट के चला रही हूँ, फिर मेरी गाड़ी में वो लगी ना कटन, दिखता नहीं वो बिना बगैर सीट बेल्ट के चला, वो तो आप लोग खुद ही देख लोगे ना, एक बार बता दिया ना तो और आप लोगों का भी ध्यान जाएगा। अब तो कि नहीं भैया ने जो बताया था उस पर होता है ऐसा कि कोई ध्यान दे देना उसकी पर, एक बार आइए नहीं, ये तो प्राइवेट है। यहाँ से निकल रहे हम लोग देवास के लिए, मम्मी का इलाज करवा लो। हाँ, देवास में होगा मम्मी का इलाज, तो सिपरा और देवास में फर्क कितना रह गया। हाँ आते को बता दें। हाँ तुम चल लो बस, अब हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से, डॉक्टर को फोन लगा लेता हूँ, ये अच्छा रिया। हेलो, उससे लोकेशन ले लूँगा, अरे देवास जा रहे हैं, पापा मम्मी से बात कर रहे हैं, मम्मी से पापा लेट जो भी हो कर रहे हैं बात। भाई आप लोग बोलेंगे कि भैया फिर पीछे पड़ गए बैलगाड़ी के, तो आप खुद देखो ना, देखो ये दो तो सरिये देखो कितने सारे लगे हुए, तो गवर्नमेंट ये चीज़ों को ही बंद कर दे यार। फिर देखो इनको आप परेशान तो कर रहे हो जानवर को, कोई दिक्कत नहीं, ऊपर वाला फिर देगा वापिस किसी दिन लपट के, क्योंकि जैसे अभी हुआ ना बाहर कितना, पंजाब देख लो है? देखा ना अभी कितना पानी बाढ़ तूफान सब आया, इसी कारण क्योंकि ऊपर वाले की आंखें तो दुखती है देख के, वो क्या करता है इकट्ठा करता रहता फिर देता बत्ती खींच के, उससे पहले ये चीज़ें अगर ख़त्म हो जाए ना। तो देखो जैसे लोडिंग में भी तो रखा है, वो बैलगाड़ियों पर कितना, मतलब लोडिंग पर कम वजन है, बैलगाड़ी पर ज़्यादा वजन है, तो वो चीज़ों का थोड़ा सा रोक हो जाना चाहिए अभी से। कुछ नहीं करी, हां पीछे का नहीं, टमाटर की कुछ नहीं है।
करके बताना क्या बोलना चाहता हूँ। देवास की टेकरी अब देखो कितनी पास में, बता सामने दिख रहा है ये डॉक्टर क्लिनिक। मम्मी का क्या है कि जो दांत है ना उसको दर्द हो रहा था मम्मी को, तो सही करवा रहे हम लोग। यहाँ से हम लोग जाएंगे देवास मंदिर सीधे। तो मम्मी और आंटी जा रहे हैं, हम जिन जाने जा रहे हैं ऊपर चढ़ते थकते जा रहे हैं, मतलब इतना नहीं थकेंगे हम, वैसे हूँ खत्म हो जा रही है। अच्छे दर्शन और सफर, आते से आरती मिल रही है हमको, वो आरती होगी माई की, ये भी बहुत कम लोगों को देखने को मिलती है। हम अभी जब मैंने ब्लॉग नहीं बनाया था, मैं अंदर से हो क्या आया दर्शन कर, अब जाएंगे किसी दिन। तो हम लोग क्या 7:45 के आरती करी थी 7:45 की, तो हम लोग निकल गए थे यहाँ से 6:30 बजे ऊपर बैठ गए, ये चले ऊपर बैठ गए। और अपने और यार टाइम कितना पता है, अभी टाइम हो रहा है, मैं तो दिख ही नहीं रहा है, टाइम हो रहा है अभी 8:30, क्योंकि हम लोग घूमते फिरते निकल रहे हैं दर्शन दर्शन करके कर रहे सीधे घर, बनाते टाइम लेस अचार बनाई हमारी गाड़ी में एक आंटी, हमारी कॉमेडी आंटी बेटी, आज हमारा सफर बहुत इंजॉय करता जा रही है। दो आंटी दिखी नहीं रहा, वो अंधेरे में हमारे भी दिखी रहे देखो 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 सामने आ रही है डोकरा देखो देखो गाड़ी वाला तो कहीं कर ही रही हो देखो गाड़ी चलाते ना तो गाड़ी का ऊपर का उनको तो दिखता है आगे की साइड, में पीछे से यूं देखती हूँ तो बाहर नहीं दिखे, अरे मैं बोल तो कुछ ही मत दीजिए दिख जाना जरा तो क्या तो अरे मारे दिखी रहे तो बोले मत ही चुपचाप बैठ जा